अरे बोतल ऐसा ऊपर में रखो, नीचे रख दो उसको। चलो चलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन चैनल एशिया टेलीकॉम, और मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आज Z3 बॉक्स आप रजिस्टर कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक आया हुआ है जो हमने आपको पिछले इसमें दिखाया था, रिज्यूम करके दिखा दिए Z3 Xbox। तो ये हमको मिला हुआ है, हमने अपने सर की मदद से मंगवाया है ये बॉक्स, हमको सस्ते में मिला, बहुत सस्ते में। आपको भी लेना तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, सीख के जा सकते हैं, और बॉक्स भी मिलेगा आपको, और उसके लिए अलग चार्ज है। हाँ, तो फिर हम आपको बताएंगे आज रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए तो हमको इसको केबल से कनेक्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम में। तो ये केबल है जो लोकल मार्केट में मिलता है, जो प्रिंटर केबल के नाम से मालूम है सबको। तो प्रिंटर केबल से हम कनेक्ट करेंगे सिस्टम में, और आपको बताएंगे कि रजिस्टर कैसे करना है, कि हम सिस्टम में लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कनेक्ट हो गया हमारा सिस्टम से, मगर ये अभी तक रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर नहीं है इसको आप पता कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। यहाँ तो ड्राइवर दिखाएगा डिवाइस मैनेजर में, देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक ये रजिस्टर मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है, ड्राइवर्स भी नहीं है इसके, और अभी तक आप हम लोगों को बताएंगे कि ये रजिस्टर कैसे नहीं हुआ है। मतलब ये क्योंकि बिल्कुल नया बॉक्स है, इसको आपको रजिस्टर रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना पड़ता है? उसके लिए सबसे पहले हमको तो चलाने के लिए स्टेप वन, उसके लिए पहले Z3 Xbox से डाउनलोड करना पड़ता है। उसके लिए हमारे लिंक ये है, गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे Z3 X सेल, देखो यहाँ पर ठीक है, अभी खुल रहा है, वो स्लो है थोड़ा, दो सेकंड रुकेंगे। हाँ देखो Z3 X स्पेस क्या लिखना है, सेल। देख सकते हैं आ गया है, जैसे हमने आपको पीडीएफ में दिखाया था Z3 X सेल वेबसाइट, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जाएंगे, ये ऊपर में से ये डाउनलोड ये दिया है, नहीं यहाँ पे क्या है वो दिखा देते हैं। इंस्ट्रक्शन में जाएंगे, इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया डाउनलोड Z3 X, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो, जैसे हमने देख सकते हैं आप, हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, वो ये अभी भी डाउनलोड, ये डाउनलोड में लग गया है, मगर हमने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। और डाउनलोड करके आपको सेटअप में कैसा आ जाएगा, सेटअप में आएगा, लेटेस्ट सेल में आएगा ऐसे करके, तो उसको हम आप इंस्टॉल करके ये करेंगे। ये देखो ये कौन सा फॉर्मेट में आएगा सेटअप, ये विंडोज इंस्टॉलर फॉर्मेट होता है। ये क्या मेरे एंड्रॉइड मोबाइल में चल रहे नहीं, ये एंड्रॉइड और आपको ज्यादा एप्पल का लैपटॉप में अगर आप चलाना चाहे तो ये नहीं चलेगा, ये देख सकते हैं आप, जैसे आ गए यहाँ पे latestsale.exe में आया, ये बस विंडोज में सपोर्ट करते हैं, आपके एंड्रॉइड और एप्पल के जो भी लैपटॉप इसमें रहेंगे, एंड्रॉइड फोन में भी सपोर्ट करेगा, एप्पल में भी सपोर्ट नहीं करेगा, ये बस विंडोज आपके लैपटॉप में सपोर्ट करने वाला है और कंप्यूटर में सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको इसको क्या इंस्टॉल करके रख लेना है, इंस्टॉल करके रखना है, जैसे कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको हम ओपन करेंगे। यस करेंगे, टाइम लग रहा है, सिस्टम स्लो है। अब इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में जाएंगे, तो जैसे कि पहले पीडीएफ में दिखा दो, पीडीएफ में दिखा देते हैं हम आपको, जैसे सेटिंग में गए, गो टू क्लिक सेटिंग, क्लिक हार्डवेयर विजार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हार्डवेयर विजार्ड है, तो हम आपको दिखाएंगे अभी। चलिए ठीक है, ये रहा हार्डवेयर विजार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, देख लीजिए जैसे आप इससे देख सकते हैं आपका कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इस पे एग्री करेंगे हम, इसको नेक्स्ट दबाएंगे, रजिस्टर कर रहा है हमारा कार्ड, कार्ड का वर्जन हमें 1.5 है, सर्वर 0. दिखा दिया है, अब क्या करना है, सर्चिंग कर रहा हूं, हमने सर्वर से अभी कनेक्ट हो गए, देख सकते हैं आपने अपडेटिंग चालू हो गया, अभी इसका कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करेगा वो। तो ये अपन को हर समय करना है, जब अपन बॉक्स कनेक्ट करेंगे तभी करना है, नहीं जैसे हम अपन नया बॉक्स करना है उसके लिए बस करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए।
उसके बाद तो आपको कभी कभी अपडेटिंग मांगेगा वो, तो अपडेटिंग का वीडियो भी हम आपको डालेंगे। अच्छा, और इसके बाद में जो ये आते हैं जैसे कि ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, इसका भी एक बार हम वीडियो इसके बाद में डालेंगे। इसका जो ड्राइवर्स जो होते हैं कैसे, कभी कभी आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं करता है तो उसके लिए भी अलग से ड्राइवर लगते हैं, उसके भी हम वीडियो डालेंगे। वो आपको अलग से कहीं करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सबसे मिल जाते हैं, वो बताएंगे। चलो यहाँ पे ये दिखा दो क्या अपडेटिंग हो रही है। ये हो रहा है, आपने 68% हो गया है, एक दो सेकंड लगेंगे और इसको होने में। तो आपके नेट के ऊपर है कितना फास्ट है। जैसे हमारे देख सकते हैं आप, हो गया कार्ड फॉर्म में और अपडेट हो गया है। ओके हो गया, यहाँ पे बस नेक्स्ट करना है, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है कि न्यू एक्टिवेशन अवेलेबल, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो रहा है कार्ड। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे हो रहा है कार्ड एक्टिवेशन हो रहा है हमारा, तो हो गया है हमारा एक्टिवेशन से टूल प्रो हो गया है। हो चुका है, इस तरह से हम अपने कार्ड को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बोल दो जैसे देख सकते हैं दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन का वीडियो पूरा हो चुका है। तो अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, हमारा एड्रेस है जबलपुर एशिया टेलीकॉम, सब लिंक के नीचे दिख जाएगा, लिंक पे नीचे दिख जाएगी जैसे आपको सारे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और बेल आइकन को क्यों दबाना है, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट और लेटेस्ट वीडियो क्या आएगा ये भी बता दो। अगला लेटेस्ट वीडियो हमारा जैसे आने वाला है, जैसे ये आपको जैसे हमने आपको बताया था वीडियो के बीच में कि आपके ड्राइवर्स नहीं है तो आपको इस Z3 बॉक्स में कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए आपको कैसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो सारे इसी में रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। मतलब मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम चंद्र विकास सोलंकी है। बताओ इस बुक के बारे में, आपको कैसा लगा पढ़ के और इस बुक के बारे में राय देना चाहते हो बाकी लोगों को। रिलैक्स सर, इसमें हार्डवेयर की पूरी जानकारी दी है, इधर किताब माइन है हार्डवेयर के बारे में। अगर जो भी आप काम सीख लिया हो मोबाइल को, तो आपके पास सीख लिया हो या सीख चुके हो, तो इस वास्ते आपने किताब लेनी बहुत जरूरी है, जरूरी है। इसमें बहुत सारी जानकारी है, इसमें आपने बहुत सारी आसानी भी मिली, मैंने भी काम हार्डवेयर के मायने बहुत सारी सुविधा मिली है। ठीक है, मतलब इसमें जो सारी चीजें वो सीख रहे हैं जो, और जो कहीं जा रहे हैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि इसमें कौन सी वो जानकारी है जो शायद उनको नहीं मिले। इसमें हार्डवेयर की बहुत सारी जानकारी है जो आपको वहाँ पे नहीं मिली, वो मुझे भी नहीं मिली थी। यहाँ पर इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे को पूरा समझ में आया। चलिए ठीक है, आप भी तो पहले राजस्थान में कहीं ना कहीं पढ़कर आए थे पहले से। 3 महीने खराब करके आया हूँ, 3 महीने खराब करके आया तब जाके यहाँ पर। आप कितने महीने पढ़ रहे हैं अभी, 1 महीना, कितना महीना, कितना दिन हो गया आपको यहाँ पर? 15 दिन भी नहीं हुआ मेरे को, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे पूरा टाइम खराब करके आया हूँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आपने 15 दिन में हार्डवेयरिंग सीखी है यहाँ पे आपने? बहुत ज्यादा सर। और सॉफ्टवेयर भी काम सीखा है आपने? उस डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी और एप्स की भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ एप्स में क्योंकि केवल 2 MB का एप्स है अगर ये आप मोबाइल में डालेंगे, और अगर रिपेयरिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और भी नई नई चीजें जब मैं डालता रहूंगा वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, और अगर आप फ्री मोबाइल ट्रेनिंग जो मेरा एप्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको मिल जाएगा डाउनलोड फ्री, फ्लैश फाइल में भी मिल जाएगा और उसकी लिंक और उसकी ऐप लिंक पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना है कि आपको प्ले स्टोर में वाली लिंक वाली क्लिक पर करना है, और ये जो ऐप्स है इसको करना है दोस्तों आपको इंस्टॉल। तो केवल 2 MB का ये ऐप्स है, 2 MB का भी नहीं दोस्तों, 1.69 MB का केवल एक ऐप्स है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको करना है ओपन। दोस्तों यहाँ पे आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Module 1, Module 2, Module 3, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको मोबाइल रिपेयरिंग के जो नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वीडियो के साथ में और चित्र के साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ये टूल डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्लिक करना है नेविगेशंस, और इस पर क्लिक करना है आपको सॉफ्टवेयर।
जैसे ही आप इसको सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, आपको सबसे आखिरी में आप देखिएगा, आप ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ से बहुत बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से सबसे लास्ट में आप जाइएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा GSM का टूल। तो दोस्तों ये है वो डाउनलोड GSM ऑल, तो ऑल मोबाइल फ्लैशिंग क्रैक वॉच इन वन सॉफ्टवेयर। आपको ये वाली फाइल को करना है क्लिक, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको इस बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जैसे कि आपने देखा ही है, और आपको यहाँ एशिया टेलीकॉम, तो ये डाउनलोड पे एशिया टेलीकॉम पे करना है क्लिक, और आप आ जाएंगे फोर्ट सीएड वाले अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये आ गया है, और यहाँ पर जो डाउनलोड का ये नीले कलर का बटन दिख रहा है इसको करना है क्लिक। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर ये आप ये डाउनलोड करते हैं तो आप को काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस ऐप से, और सेम ही ऐप्स आपको यहाँ पर दूसरे ऐप्स में मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल फ्लैश फाइल में। तो सेम यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर फ्लैशिंग क्रैक बॉक्स वाले मेन्यू को क्लिक करना है, और यहाँ पर जो सबसे आखिरी में दिया हुआ है डाउनलोड GSM टूल और मोबाइल फ्लैशिंग बॉक्स क्रैक इन वन सॉफ्टवेयर, जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी आपको सेम यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके नीचे इसका पासवर्ड दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि अगर डाउनलोड करते हैं तो इसका पासवर्ड भी आप इसको देखें, और इसका पासवर्ड इसमें आप जो इसकी जिप फाइल होती है उसमें डाल के इसको एक्सट्रैक्ट करें दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरे और भी कई जो वीडियो लिस्ट में जाकर और भी वीडियो देखे होंगे। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, या आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके या इस मोबाइल टूल को लेके, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे ही करें, कॉल ना करें, केवल कमेंट बॉक्स से ही करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.